की तरफ से परमाणु हथियारों का जज्बा बढ़ाया जा रहा है, इसे किस तरह से देखा जाए? मैम देखिए, आज की डेट में जो भी अगर वॉर होगा, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, बैलेंस ऑफ पावर, पावर को बैलेंस करने के लिए, डिटरेंस के लिए ये होता है। लेकिन आज की कंडीशन में जो वार होती है वो फिफ्थ जनरेशन वार होती है, वो वार होती है डिप्लोमेसी की होती है, वो वार होती है आपकी इकोनॉमिक फ्रंट पे वार होती है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ऊपर ये चलती है, और फर्दर जो वार होगी वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वार, जो कि फिफ्थ जनरेशन वार है, एडवांस लेवल की साइबर वार और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वार होगी। तो ये तो अपने आप को कंसोल करने के लिए और डिटरेंस के लिए जो है चाइना जो है अपना परमाणु बम वगैरह के परीक्षण कर रहा है या जखीरा बढ़ा रहा है, इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए रीजन है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों को अगर ये मान के हम लोग चले कि ये न्यूक्लियर वीपन इक्विप्ड कंट्री है और दोनों एक साथ अगर अटैक करते हैं तो वी आर हैविंग मोर एंड मोर बेटर कैपेबिलिटी इन कंपेरिजन ऑफ चाइना एज वेल एज पाकिस्तान टू मेक अ डिटरेंस एज वेल एज टू मेक अ फाइट इन आवर ओन, यू कैन से फेवर, वी कैन चेंज द गेम। हमारे पास भी सफिशियंट टेक्नोलॉजी है, सफिशियंट मिलिट्री पावर है, एयरफोर्स, इवन एयरफोर्स इज फार बेटर, हम लोगों की एयरफोर्स चाइना क्वालिटी वाइज देखा जाए तो चाइना और पाकिस्तान से फार बेटर है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत ज्यादा इतना पैनिक होने की जरूरत है, और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल रीजन्स होते हैं, प्रेशर्स होते हैं कि जहाँ पे ये नौबत नहीं आती है। जी बिल्कुल, एके मिश्रा जी, चीन अब पहली बार जमीन, हवा और समुद्र से दागे जाने वाले परमाणु हथियार बना रहा है, तो इस दिशा में भारत को कितना आगे बढ़ने की जरूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ भारत को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत दो कदम आगे है। जब एक फुल फ्लैग वार होती है, आप ये इमेजिन करिए एक मिनट के लिए कि फुल फ्लैग वार हो गई है और ये चाइना के एक्स नेवल कमांडर के जो हेड है उन्होंने भी ये बोला था कि इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में इंडिया को कोई जो है बीट नहीं कर सकता है। तो उनकी नेवी, दिस इज द फर्स्ट कंपैरिजन, उनकी नेवी हमारे कंपैरिजन में उतनी स्ट्रांग नहीं, और कुछ जियो स्ट्रेटेजिक इंडियन ओशन में आप देखेंगे तो ब्लॉकेट की इतनी जबरदस्त फैसिलिटी हम लोगों की नेवी ने, इंडियन नेवी ने डेवलप की है कि चाइना का पूरा रूट वहां पे ब्लॉक किया जा सकता है, उनके ट्रेड रूट को, एज वेल एज उनकी जो वितिनरी है, अगर मान लीजिए कोई उनका जो है फाइटर प्लेन अगर उस एरिया से गुजरता है या कोई पनडुब्बी वगैरह गुजरती है, चाहे वो भले ही एटॉमिक पनडुब्बी क्यों ना हो, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के एयरफोर्स के इंडिया के बाहर भी बेसेस है, तजाकिस्तान वगैरह में, तजाकिस्तान का जो बेस है वो ऐसा बेस है कि जहां से ओनली 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से चाइना और पाकिस्तान दोनों बहुत स्ट्रेटेजिक वे में कवर किए जा सकते हैं। रही बात अगर थल सेना की बात किया जाए तो यहाँ पे भी इंडिया कहीं पे भी मुझे पीछे नहीं दिखता है, क्योंकि कुछ ऐसे वीपन्स हमारे पास हैं जो कि वॉर पीरियड में हमारे यूएसपी साबित होंगे, जिसकी काट न पाकिस्तान के पास है न चाइना है। इसका एक ही एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, वो है ब्रह्मोस मिसाइल, दिस इज वन, जो कि नेवी के भी यूज में आती है, एयरफोर्स और थल सेना के भी यूज आती है। सेकेंड चीज, अभी बहुत चर्चा चल रही है, लाइट में आया है काली, एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन है जिसका तोड़ चाइना के पास नहीं है। चाइना ने पिछले बार जो है अपने प्रदर्शन में इन सब जो है लेजर बीम और इन सब से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हथियारों को नष्ट करने की जो है कला को प्रदर्शित किया था, लेकिन उनमें और हमारे में बहुत फर्क है। हमारा जो काली है वो उनसे फार 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 बेटर है, इवन अमेरिका वगैरह के पास भी ये चीज है, बहुत लिमिटेड, लेकिन हम बहुत सुपीरियर क्वालिटी का हमारा है जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में है। तो मैं समझता हूँ किसी भी तरीके से हमें जो है बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और चाइना कभी वॉर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, उसके पीछे एक रीजन है, 70 साल में जिस देश की सेना ने एक पटाखा ना फोड़ा हो, आप मुझे एक रीजन बताइए जहां चाइना की सेना ने फाइट की हो, एक दो ऑकेजन्स को छोड़ के। तो चाइना के आर्मी के जो बंदूक है, जो तोपे हैं, उसमें तो जंग लगी हुई है, उससे तो फायर भी नहीं हुआ, प्रैक्टिस के भी फायर नहीं हुए, जितना वो फायर करते हैं उससे ज्यादा तो हम पटाखे फोड़ते हैं। तो जो एक स्किल होता है किसी आर्मी की या मिलिट्री की, कॉम्बैट स्किल जो होती है, फाइट करने की स्किल होती है, उसमें इंडिया की कोई सानी नहीं है। और स्पेशली अगर माउंटेन के ऊपर देखा जाए, हम हमेशा से सियाचिन और कितने सारे माउंटेन को कवर करते रहते हैं, कारगिल वार माउंटेन फाइट का, कॉम्बैट का एक दुनिया का बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो जो स्किल की मैंने बात की है, उसमें तो इंडिया जो है इन कंपैरिजन ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान या कंबाइंड बोथ अगर देखा जाए तो वी आर फार 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 सुपीरियर। बिल्कुल,
बिल्कुल सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर अपन इंटरनेशनल सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो जिस तरह से इन दिनों कंट्रीज अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने में लगे हुए हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर वो अमेरिका हो, जिस तरह से ये जो सशक्त कंट्रीज हैं, जो मजबूत कंट्रीज हैं, वो लगातार अपने हथियारों को बढ़ाने में लगी हुई है, इज दिस नॉर्मल? मतलब ये ठीक है कि आप अपनी कंट्री की जो ये रक्षा जो होती है उसको आप मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खतरनाक परमाणु? नहीं, मैं इसकी भी एनालिसिस करता हूँ। अभी मैंने आपको फिफ्थ जनरेशन या एडवांस लेवल वॉर की बात की है। हमारे देश के जो नीति नियंता है, जो रणनीति बनाते हैं, चाहे इसरो हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे राजनीतिक नेतृत्व हो, दो कदम आगे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपका वेपन, एटॉमिक वेपन या एटॉमिक बम यूज तब होगा जब आप उसको ड्रॉप कर पाएंगे। ठीक है, मैंने काली का जो एग्जाम्पल लिया वो इसीलिए लिया कि उनके जो भी मिसाइल्स हैं या जो भी प्लेन से, फाइटर प्लेन से या पनडुब्बी से उसको दागेंगे, दागने के पहले ही उसको नष्ट कर दिया जाएगा। यानी आप उसको, आज की डेट में टेक्नोलॉजी या वार टेक्नोलॉजी उस लेवल पे चली गई है कि आपका जो आयुध सामग्री है वो कैपेबल है, वो डिलीवर कर पाता है कि नहीं। अगर उसकी डिलीवरी के पहले ही उसको हम नष्ट कर दें, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि आपका विमान, आपका फाइटर प्लेन आपके वहां से उड़ ही ना पाए, आपके हवाई पट्टी से उड़ ही ना पाए, तो आप कुछ भी रखते रहिए, उसका क्या? मैं ये समझता हूँ कि अब टाइम आ गया है जहाँ एटॉमिक वेपनरी को जो है कूड़े में या आउटडेटेड हो रही है, और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि ये आउटडेटेड हो जाएगी। इसका कोई बहुत बड़ा भय या वो नहीं रहेगा, क्योंकि इससे भी ज्यादा प्रभावकारी जो है उपकरण जो है इंडिया या दुनिया के दूसरे हिस्से में बन रहे हैं। वॉर का पूरा नेचर, पूरा मैनर चेंज हो रहा है। खुशी की बात यह है कि हम चाइना और पाकिस्तान, इन कंपेरिजन ऑफ चाइना और पाकिस्तान एंड इन सर्टेन मैनर वी आर आल्सो फार एड इन कंपेरिजन ऑफ रशिया एज वेल एज द यूएसए आल्सो। इसके मैं दो तीन एग्जांपल दूंगा। ब्रह्मोस की स्पीड जो है वो किसी भी मिसाइल की स्पीड नहीं है, न रशिया के पास है न अमेरिका के पास है। अभी सूर्य जो हम लोगों ने किया है, जिसको अग्नि 6 भी बोला जा रहा है, 16,000 किलोमीटर तक की, इसकी खास बात है इसकी स्पीड जो कि लगभग 20,000 किलोमीटर पर स्पीड है। चाइना के पास जो मिसाइल है वो लगभग 15,000 किलोमीटर या 14,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। 1,000 किलोमीटर पर आवर का जो गैप होता है वो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रखता है वॉर में। यानी एक मिनट या 30 सेकेंड का डिले या 30 सेकेंड का भी टाइम पूरे वॉर गेम को, पूरे युद्ध के मैदान को चेंज कर सकता है। ये कुछ ऐसे यूएसपी है इंडिया के, जहां पे कि हम पूरे विश्व में लोगों से या दूसरे देशों से, अपने प्रतिद्वंदियों से दो कदम आगे हैं। जी, मैं आती हूँ आपके पास वापस। रक्षा विशेषज्ञ पवन अग्रवाल जी भी इस समय फोन लाइन पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।